अन्ना पशुओं से किसानों की फजीहत। नमस्कार, रेप्टी लैब में आपके साथ मैं हूँ सिमरन कौर। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की सैर करवाते हैं। इस वक्त कौशाम्बी में चुनावी बिगुल बज चुका है और लगभग पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी हैं। वहीं कौशाम्बी की सिराथू तहसील कसिया का नजारा ही कुछ और देखने को मिलता है। किसान अन्ना पशुओं से परेशान है, आइए आपसे उन्हें रूबरू करवाते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं। आज मैं कसिया में जीटी रोड के किनारे खड़ा हुआ हूं और ये किसान कुछ अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं और तमाम इधर बाड़ा वाड़ा बनाए हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि ये बाड़ा क्यों बनाए हैं, क्या परेशानी इनको है। चाचा, आप ये अपना खेत की रखवाली कर रहे हैं, तमाम ये बाड़ा बनाए हैं, ये किस लिए बनाए, क्या बात है आपकी? ये बाड़ा बनाए हैं मोदी और योगी की सरकार के माध्यम से, उनकी देन है ये। तो वो योगी मोदी आखिर क्या कर रहे हैं इसमें बाड़े से, क्या मतलब है उनसे? वो जानवर भेज दिए कि जाके चरो, इनको परेशान करो। तो जानवर तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं, जानवर हजारों जो टहल रहे हैं जीटी रोड पर, देखिए कितने जानवर हैं। योगी मोदी का कहना है कि हमने गाँव गाँव में हर जगह पे गौशालाएं बनाए हैं। हमारे क्षेत्र के केशव मौर्या जी हैं, एक बाड़ा बनवाए, आज चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये बताइए किस प्रकार से दिया जाएगा, बताइए कि आपके खेतों का नुकसान हो रहा है तो वर्तमान आने वाले कल में आप किसको सपोर्ट करेंगे? आने वाले वर्तमान में हम जो है अखिलेश को बनाएंगे, वो हमारा हितैषी है, हम किसानों का दर्द जानता है। अब बताइए योगी जी, आपके किसानों को 5-5 किलो राशन दिए, फ्री में बंटवाया, हमारा गल्ला ले जा करके बैठ करके वहाँ लखनऊ में हमारा गल्ला बांट रहे हैं, फ्री का पाए हुए हैं और कहते हैं हम देश बचा रहे हैं। तो आपका क्या नाम है? हमारा नाम सूरज पाल रुमसम्भी लाल। ब्यूरो रिपोर्ट, UFT लाइव।